एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं आपके पार्टनर के कर्दाफली एनर्जी को चेक करेंगे एंड उनके तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सबके लिए अप्लीकेबल है। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो शायद आप ही के लिए बनाए। और मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा कि मेरे को व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करने के लिए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, माँ काली चैनल पर निर्मल मुखर्जी, वहाँ पे मैं रेगुलर रील्स अपलोड करता हूँ और वहाँ पे ही आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या हो रहा है और मैं कौन सा सेशंस करवा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे क्या एनर्जी आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पहले ही आ गया रिलीज योर पास्ट। आई थिंक कोई पास्ट पर्सन का एनर्जी आ रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपको याद कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई डिवोर्स पर्सन आपके करीब आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग देख रहे हो। डिवाइन टाइमिंग मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस कुछ बोल रहे हैं और वो बात आपके पार्टनर का है, यानी कि आप समझ पा रहे हो आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं थ्रू डिवाइन टाइमिंग। इसके बाद एनर्जी आ रहा है लीव योर पैशंस। जो उस चीज़ को आपको लगता है कि वो सही है उसके उसको आगे लेके जाइए। आई थिंक आप पैशनेट हो रहे हो, आपके पार्टनर को आप पैशनेटली पाना चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपको पैशनेटली पाना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शंस बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि नए कनेक्शंस दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बढ़ रहा है, इसीलिए पैशनेट का कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। हो सकता है कि कोई ट्वीन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर किए है, या फिर आप किसी ट्वीन फ्लेम को बार बार जा रहे हो, आ रहे हो, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। लीव योर पैशंस यानी कि इस पर्सन को आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, साथ ही साथ कमिटमेंट भी चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे एक कार्ड आ गया है वर्क ऑन योर कनेक्शंस। हो सकता है आप लोग आपके पार्टनर के कनेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई हो सकता है हीलिंग वर्क चल रहा है या फिर खुद के ऊपर हीलिंग किए हो। आप लोग एक्टिवली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है रोमांटिक फीलिंग्स, सॉलिट्यूड, ट्वीन फ्लेम इज नॉट रेडी। आई थिंक एक ऐसे पर्सन है जो आपके ट्वीन फ्लेम है, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि ये कनेक्शंस में रोमांटिक फीलिंग्स है बट ट्वीन फ्लेम रेडी नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आपके लिए जो पर्सन बने हैं शायद उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया है, या फिर आपको कोई रिजेक्ट किया है, या फिर कोई एंगेज हो गए है। आई थिंक ये पर्सन फुल्ली आपके साथ रेडी नहीं हुए थे। आई थिंक इसीलिए आपको लगता है कि इस कनेक्शंस पे आप इन्वेस्ट किए हो टाइम, बट कोई रिटर्न आपको नहीं मिला है। मेरे ख्याल से एक सुना वाइब्स आ रहा है। तो अगर आप रो रहे हो, ये पर्सन को पता है कि आप लोनली हो, इस पर्सन आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन रेडी नहीं थे उस टाइम पे। मेरे ख्याल से रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। और कोई कार्ड्स इस टाइम पे यूनिवर्स आप बता सकते हो? यहाँ पे और एक कार्ड्स आ गया है मेक अ चॉइस। आई थिंक आपके पार्टनर एक चॉइस, या फिर आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चॉइस आप कर रहे हो, एक्टिव चॉइस आप कर रहे हो किस चीज़ का। पे अटेंशन टू द साइन। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन के बीच में एक पर्सन को चूज कर रहे हो क्योंकि आपको साइन मिल रहा है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं। पैशन और पार्टनर, आई थिंक आप दोनों को लेके कुछ डिसीशंस ले रहे हो। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, लेट्स सी, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो क्लियर कट बात है, जो लोग आप थर्ड पार्टी के अंदर थे, आई थिंक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं, या फिर आप दो पर्सन के बीच में से एक पर्सन को चूज़ कर रहे हो। आई थिंक जो आपके लिए सही है वो पर्सन को चूज़ कर रहे हो। मेरे ख्याल से कोई थर्ड पार्टी के कारण आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट हुआ था, तो फाइनली नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस ख़त्म हो रहा है, तो इसका भी एनर्जी आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ बहुत बड़ा झमेला हुआ है, इसके कारण ये आपको चूज़ किया है, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा बहुत सोल सर्चिंग किए हैं और उसको पता चला है कि आप उनके लिए सही हो, थर्ड पार्टी नहीं। अभी मैं देख लूँगा कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, क्या मैसेजेस इस टाइम पे यूनिवर्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस यूनिवर्स इस टाइम पे दे रहे हैं, क्या मैसेजेस इस
टाइम पे ले रहे यूनिवर्स की आप मैसेजेस इस टाइम पे ले रहे। देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड मेरे को आ रहा है कि आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर है, ये आपको खोना नहीं चाहते है। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस एंड उसके साथ साथ ये बोल रहे कि आई वॉन्ट टू टच यू, यानी कि ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, आपको काम करना चाहते हैं, आपको पोलाइटली हग करना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू, यानी कि ये पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। तो कोई पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपसे आपके लाइफ से चले गए थे, ये वापस आ रहा है। और यहाँ पे और भी एक मैसेज है, ये पर्सन आपके साथ फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं। आई थिंक ये एक नए कनेक्शन हो सकता है या फिर एक कनेक्शन है जो मुंह पे तो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि इसको डर है कि कहीं ना कहीं आपको खो दे, बट ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप भी इनके लिए स्टेप लो, आप कुछ बोलो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इसको कुछ साइन नहीं दे रहे हो। मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन है जो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, जो रिलेशनशिप्स चाहते हैं। और क्या मैसेजेस, कोई मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, और कोई मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए और कोई मैसेजेस? ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। सो ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आपको थैंक्स दे रहे हैं, आई वॉन्ट यू। आई थिंक बार बार यही मैसेजेस आ रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट पर्सन, या फिर आपके प्रेजेंट क्रश। ये पर्सन आपके सामने कुछ अलग दिखा रहा है और अंदर कुछ अलग, ये बहुत इनसिक्योर है, इसीलिए शायद ये आपके ऊपर शक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कनेक्शंस को लेके ये बहुत इनसिक्योर है क्योंकि इसको लगता है कि आप परफेक्ट हो, और इसके कारण ये जो दिखाता है, ये जो स्ट्रांग बनने का इसका जो नाटक है, ये कम्प्लीटली सुपरफिशियल है, ये रियल नहीं है। तो आई थिंक कोई पर्सन अपने फेक अहंकार लेके आपके पास आए थे, या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ दिए थे ये दिखाने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग है, बट ये छोड़ के भी, आपको छोड़ के भी ये सही तरीके से नहीं रह पाए। आई थिंक ये कोई मैरिड पर्सन है जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपको रिजेक्ट किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस करवाए हैं, और फाइनली इसको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये आपको बहुत गलत तरीके से जज किए थे, शायद आपको ये बहुत गलत तरीके से ट्रीट किए थे, इसको ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए था, एंड वो वापस आना चाहते हैं। तो कोई पर्सन है इस टाइम पे जो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको मेंटल मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, एंड जो आपके लाइफ में रहेंगे, रहने के लिए वो आपको काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप उनके लाइफ से चले मत जाओ, कोई आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि वो आपके लिए है। कोई ऐसे पर्सन है जो आपके एज अ बेस्ट फ्रेंड है, बट अभी तक ये कुछ नहीं बोला है। ऐसा हो सकता है कि आप बेस्ट फ्रेंड थे, वहाँ से आप लोग कनेक्शंस में आए, बट वो कनेक्शंस नहीं चला, तो बार बार ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करता जा रहा है, और आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्सन के साथ आप क्या करोगे इन लाइफ। तो यहाँ पे मैं क्लैरिटी दूंगा मेरे कार्ड से, कि मेरे हैंडमेड कार्ड से, कि यूनिवर्स इस कनेक्शंस के लिए आपका गाइडेंस क्या होगा, ये जो कनेक्शंस आ रहा है इस कनेक्शंस के लिए आपका गाइडेंस क्या होगा, ये कनेक्शंस के लिए आपका गाइडेंस। ओके, यहाँ पे चार मैसेजेस मिला है, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे और भी एक मैसेजेस है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद डिवाइन, गुड कर्मा, एंड लास्टली यहाँ पे है डिवाइन इंटरवेंशंस। आई थिंक मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन शायद बेटर ऑप्शंस के लिए आपको छोड़ा था, एंड उसके बाद इसको पता चला है कि आप दोनों के अंदर एक कनेक्शन है और डिवाइन भी चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहे। सो अपने कर्मा को, बुरे कर्मा को हटाने के लिए सच में अपने कर्मा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशंस यानी कि डिवाइन भी चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में आए। तो कोइंसिडेंटली अगर आपको किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का याद आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। अगर आप 1111 888 1919 555 ये नंबर्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी पर्सन को वापस लेके आ रहे हैं, और ये पर्सन एक टाइम पे शायद आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किए थे, शायद ये ऑप्शंस माने थे आपको, बट अभी ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के साथ आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, ओम प्रेम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स, यस डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनी बन, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा पैसा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। सो बाय, ध्यान से देखिए वीडियोस को और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। इंटिटिव बनिए, बाय।